हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल रेशमास किचन। तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत की रेसिपी साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाना खुले खुले खिले खिले कैसे बनते हैं वो मैं बताऊँगी, क्योंकि बहुत से समय ऐसा होता है कि साबूदाना खिले खिले नहीं बनते, चिपके हुए बनते। वो क्यों बनते, क्या कारण है, वो आपको आज मैं बताऊँगी। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। चलिए, तो यहाँ पे मैंने धोकर भिगोकर अच्छे से इसे एक कटोरी साबूदाना ले लिया है और एक बड़ा आलू ले लिया है मैंने, ऐसा छोटे छोटे पीस काट कर, कच्चे आलू है ये, बॉइल नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिया है सेंग दाना, सेक कर इसमें मिक्सर में मैंने पीस लिया है। आधा सेंग दाना ऐसा रखा है पीस कर और आधा मैंने ऐसे कूट लिया है। यहाँ पे हमको चाहिए नींबू, एक चम्मच शक्कर, 5 से 6 हरी मिर्च, थोड़ा नमक, यहाँ पे चाहिए जीरा और कड़ी पत्ता और थोड़े लगेंगे देसी घी। तो एक कटोरी में साबूदाना ले रही हूँ। साबूदाना बहुत ही अलग अलग टाइप में आता है, मतलब थोड़ा बारीक भी आता है और थोड़ा बड़ा भी आता है। ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, इसको एक कटोरी में ले रही हूँ और इसको अच्छे से मैं पहले वॉश कर लूँगी, धो दूँगी। इसको अच्छे से इसलिए धोना है क्योंकि देखिए इसका पानी जैसा वाइट हो गया है, मतलब इसका जो स्टार्च है वो पूरा निकल रहा है। अगर हम अच्छे से नहीं धोएंगे तो ये चिकना बनेगा, खुले खुले साबूदाना नहीं बनेंगे। तो इसे अच्छे से इस तरीके से करते हुए धो लेना। अब इसका मैं पानी छान लेती हूँ। अभी इसे मैं दूसरी बार धो रही हूँ, फिर से मैं वैसे ही करूँगी। साबूदाना है, इसे जितने बार धोएंगे उतना ही इसमें ऐसा वाइट पानी निकलेगा, इससे अच्छा 2 या 3 बार धो कर इसे भिगो दीजिए। देखिए इस तरीके से धोएंगे तो इसके ऊपर जितना भी वाइट इसका पाउडर है पूरा निकल कर आएगा। फिर से मैं इसका पानी निकाल देती। देखिए इसको मैंने 2 बार धो दिया है अच्छे से। अब इसे हमें भिगोना है, जितना साबूदाना है उतने ही लेवल में इसे इस तरीके से भिगाना है, थोड़ा ही ऊपर पानी रहे, आधा घंटे के लिए। उसके बाद इसका पानी वापस निकाल देना है। अब इसे मैं आधा घंटे के लिए इसी तरह से भिगो कर रख देती हूँ। तो चलिए आधा घंटा हो गया है। देखिए जितना साबूदाने को पानी एब्जॉर्ब करने का था उतना उसने कर लिया, पूरा अच्छे से पानी देखिए पूरा उसमें है। अब हम क्या करेंगे, इस साबूदाने का इसमें जितना भी पानी है एक छन्नी में डालकर उसे रख देंगे, ताकि ये छन्नी से जितना इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है पूरा निकल जाएगा और जब हम इसे बनाएंगे तो ये चिपचिपा नहीं बनेगा, पूरा खुला खुला बनेगा। यही कारण होता है कि इसमें जो पानी रहता है और इसका जो स्टार्च रहता है वो इसमें ही रहता है, जब हम इसे बनाने जाएंगे तो ऐसा पाउडर निकलता है, तो उसके वजह से ये चिकना बनता है। तो देखिए इधर देखिए, देखिए इसके अंदर जितना भी पानी है वो ये छन्नी से निकलते हुए जाएगा और इसे 2 घंटे के लिए ऐसा ही रखना है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए और ये खुला खुला हो जाए। तो देखिए ये 2 घंटे के बाद पूरे अच्छे से खिले खिले हो गए हैं साबूदाना भीग कर। ये देखिए इसमें से एक दाना हम उठाएंगे, इस तरह से मैश करेंगे तो देखिए मतलब कि ये पूरे अच्छे से भीग गए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रख देंगे गैस के ऊपर और गैस का फ्लेम हमने चालू कर दिया है, उसमें हम डालेंगे देसी घी, आप चाहिए तो ऑयल में भी बना सकते हो। मैं 4 चम्मच देसी घी इसमें डाल रही हूँ और बाद में लगा तो मैं और डाल दूंगी।
ये गरम हो गया है देसी घी, इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते तो मिर्ची, हरी मिर्ची ज़्यादा डालिए, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता। स्लो फ्लेम में मैं इसे सेक लूँगी। जैसे ज़ीरा अच्छे से सीक जाएगा इसमें, मैं इसमें ये कच्चे आलू जो काट कर रखे थे वो डाल दूंगी। कच्चे आलू धोकर उसे छान कर पानी बिना रखना है, फिर इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसी घी में। तो देखिए अच्छे से यहाँ पे आलू फ्राई हो गया है और पक भी गया है। जैसे ऐसे तोड़ेंगे तो हो भी जाता है और ये फ्राई भी हो गया। अब गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। जो साबूदाना हमने डाला था, भिगो के रखा था, वो पूरा हम इसमें डाल देंगे। इसी के ऊपर हम जो मिक्सर में ग्राइंड किए थे सेंग दाना वो डाल देंगे। अखा वाला जो सेंग दाना कूट के रखा था वो भी डाल देंगे। चीनी एक चम्मच इसमें लगी है और थोड़ा हम नमक डालेंगे। अगर आपका व्रत है तो सेंधा नमक डालिए, अगर व्रत नहीं है तो आप सादा नमक डालिए। इसी में हम आधा नींबू निचोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हमको स्लो ही रखना है। ये एक कटोरी साबूदाना में एक बड़ा आलू और ये जो इंग्रेडिएंट मैंने बताया है वो काफ़ी है। अब इसे हम मिला देंगे इस तरीके से स्लो करके। देखिए बहुत अच्छे से ये मिल गया है। इसी में आप देख सकते हो कितने खिले खिले साबूदाना है। अच्छे से इसे अभी पकने देना है। देखिए बहुत अच्छे से ये पक गया है। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा फास्ट रखकर इससे मैंने सेका था और ये देखिए बहुत अच्छे से खिला खिला साबूदाना बना। तो यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी हो गई। इसे हम डाल देंगे थोड़ा धनिया। अब मैं इसे सर्व कर कर बताती हूँ। देखिए कितने खुले खुले बने दाने, ये देखिए पूरे अलग अलग गिर रहे हैं, एक भी चिपका हुआ नहीं है। आपने देखी मेरी साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी, एक बार घर पे जरूर बनाइए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसी लगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।